हेलो एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग सो हु ऑल आर प्रेजेंट टुडे सेम हाई इन द चैट बॉक्स हु ऑल आर प्रेजेंट हुई इन द चैट बॉक्स गाइस वेरी नाइस आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल टुडे गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस गुड इवनिंग सो काफ़ी अपने रेगुलर बच्चे भी आ रहे हैं यहां पे सो फॉर दोस हु आर न्यू लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन माई सेल्फ हिमांशु पारिक एंड आई एम फिजिक्स एक्सपर्ट एट इंस्टासोल ठीक है सो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे डेली लाइव सेशन्स कर रहे हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स ओके और आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग को बस डेली लाइव आना है और क्लासरूम वाला जो टैब है वहाँ पे आप डेली अपडेट रहिए ऑल लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं ठीक है थीके? तो वो लाइव लेक्चर्स आपको वहाँ से मिल सकता है ठीक है सो सब बच्चे तैयार हैं सेशन स्टार्ट करें सो एज यू कैन सी यस बेटा बिल्कुल लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम वेरी गुड सही है ठीक है तो आज का टॉपिक अवर टूडे टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम पास्ट ईयर एग्जामिनेशन लाइक आई टी जई नीट जई मीन्स ठीक है ना तो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जिसपे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे है ना बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे ऐसा क्वेश्चन करते हैं केवल फॉर्मूला यूज कर लिया हम लोग आज उस फॉर्मूला का एनालिसिस भी करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है पूरा उसका थ्योरी भी एक ओवरव्यू ले लेंगे ठीक है हाँ वापस से रिपीट कीजिए आई सेट की टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वी आर टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन लाइक आई टी जई जय जई एडवांस ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सो आर यू रेडी सेम ही हाई सेम येस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी सो मैं पहला क्वेश्चन डाल रहा हूँ यहाँ पे हेलो हेलो शुभांशु हाउ आर यू ओके सो पहला क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन एक्स इज इक्वल टू प्लस ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए द टाइम टेकन फॉर इट

ओके, आई हैव गोड थ्री रिप्लाईज ऑप्शन बी तो रीजन भी बता दीजिए ऐसा क्यों वाई बी देखो एक ने अगर बी कहती है सब लोग बी कहना स्टार्ट कर देंगे राइट ऐसा नहीं है यू थिंक अबाउट इट वाई दिस विल बी द आंसर वाई सो वाई टी वन शुड बी ग्रेटर देन टी टू पार्टिकल्स इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन बिटवीन प्लस एंड माइनस ए सो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द मीन पोजिशन एंड टाइम टेकन टू गो फ्रॉम जीरो टू ए बाय टू इज टी वन एंड टू गो फ्रॉम ए बाय टू टू ए इज टी टू वाई इट्स नॉट सी हाँ ये भी एक अच्छा डाउट है कि सर वाई इट्स नॉट सी हम तो पढ़ के आते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी सेम होना चाहिए है ना बट वो कब होता था वैन वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट इफ वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट दैन इट इज़ नॉट नेसेसरी

ओके सो इफ यू इनिशियली इफ इट इज मूविंग विथ मोर स्पीड एंड आफ्टर ए बाई टू यू कैन से दैट द स्पीड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग लाइक कंटिन्यूअसली स्पीड इज डिक्रीजिंग राइट सो इनिशियली टाइम जो होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा अगर स्पीड ज्यादा है तो हाँ वो तो ठीक है इफ़ वी इज चेंजिंग दैन टी वन इज नॉट इक्वल टू टी टू ये तो बिल्कुल सही है कि सर डेफिनेटली आई कैन से कि सर टी वन इज नॉट इक्वल टू टी टू वॉट इज द रीजन

the particle is executing simple harmonic motion about mean position this is plus a this is minus a okay now you can see when it is going from 0 to a by 2 so here a by 2 it is taking time t1 okay and when the particle is going from a by 2 to a particle is taking time t2 now we all know velocity of पार्टिकल हु सिंपल हार्मोनिक मोशनिटी इज वुट ओमेगा अंडर रूट माइनस एक्स स्क् राइटी डिपेंड ऑन पोजिशन जैसे आप दूर जाओगे हो गया इफ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग दैट मीन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग सो वैन द पार्टिकल इज क्लोज टू द मेन पोजिशन दैट मींस अगर यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो एमेगा जैसे जैसे आप दूर जाओगे इन दिस रीजन पार्टिकल के पास ज्यादा वेलोसिटी नहीं होगी एज कंपेयर टू दिस रीजन ऑब्वियसली बात है बिकॉज वेलोस्टिकली डिक्रीज हो रहा है अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ इस रीजन में टाइम अगर टी वन है और इसमें अगर टी टू है तो डेफिनेटली टी वन इज लेस देन टी टू सो ऑप्शन ए तो जिन्होंने बी लिखा था वो गलत है और समझ लीजिए वाई इट इज रॉन्ग ठीक है अंडरस्टूड एनी डाउट किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कि वाई बी इज़ रॉन्ग एंड ए इज करेक्ट बिकॉज सी वैन पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू ए बाई टू वेलोसिटी इज मोर एज कंपेयर टू दिस रीजन ठीक है एंड दैट्स वाई टाइम वुड बी लेस तो मैं आपसे आपको रिवीजन भी करवा देता हूं कि व्हाट इज द फॉर्मुला फॉर वेलोसिटी वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, ओके एंड एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ठीक है एंड नाउ इफ यू राइट पोटेंशियल एनर्जी सो दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ V and x, sorry, v value of V from here, ठीक है तो वहां से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा और टोटल एनर्जी क्या होगा हाफ के ए स्क्वायर टोटल एनर्जी ऑफ ए सिम्पल ऑसिलेटर इज कॉन्स्टेंट अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स नहीं है ठीक है सो इट विल बी कॉन्स्टेंट अंडरस्टूड एवरी वन एनी डाउट सर आई एम न्यू स्टूडेंट इफ आई वॉन्ट टू वॉच प्रीवियस लेक्चर दैन वहाँ पर आप जाइए आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे If you go to classroom classroom tab, you will find all the lectures there. Chi? No doubt? Okay. Hello hardik. Chali. So no doubt we'll go to next question then. Okay. so next question is let me raise this first. Chali, this is the next question. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन पोज आज इन जही एग्जाम आई डिक्टेट द क्वेश्चन क्वेश्चन से थ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द सेम डॉम द नेक्स्ट बाई पाई बाई फोर तो पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन वॉट इज गिवन इन्फॉर्मेशन वी हैव थ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ईच ऑफ एम्पलीट्यूड ए टाइम पीरियड इज कैपिटल टी दे आर सुपर पोज ओवर ईच अदर ठीक है और उनके बीच में फेस डिफरेंस कैसा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल इज पाई पाइबर फेज डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पार्टिकल इज पाई पाई बाय नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रॉम द पाइबर ठीक है तो ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज तो अभी सब लोग रिप्लाई कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इट्स ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये एडवांस का क्वेश्चन है इट्स ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सो देर बी मोर देन वन करेक्ट आंसर यस ये ऑफ यू क्या अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए कैन एन टेल मी वॉट कैन बी द अप्रोच सर इफ आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फॉर लेक्चर इन मैथ्स देन मैथ शुड आई डू यू डोंट नीड टू रिक्वेस्ट बेटा बिकॉज ऑलरेडी देर आर मैथ्स लेक्चर ऑन इंस्टासोल क्लास रूम टैप एंड दे आर हैपनिंग रेगुलरली सो यू कैन वॉच देम लाइव ऑल्सो एंड जो पहले लेक्चर हो चुके हैं उसके लिए आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए हेलो काफ़ी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो, तो ऐसा मत कीजिए आप 9:30 थर्टी आप आपको शॉप लाइव आना है ताकि आपने पहला क्वेश्चन मिस कर दिया तो दैट यू कैन वॉच इन रिकॉर्डिंग सर आई एम न्यू स्टूडेंट आई वांट टू लिसन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हाँ वो तो कर ही रहे हैं ना हम लोग लास्ट सेशन अगर आपने देखा हो मैकेनिक्स का तो सर अभी लास्ट सर ने कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे आपको तो वहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चन किए हैं हमने हाँ पर्टिकुलरली भी हम उस पर लेक्चर्स बना लेंगे कोई बात नहीं ठीक है आपको रोलिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम में डाउट होगा सो वी कैन डू दैट थैंक्स फॉर सजेशन सो वॉट एवर क्वेरी यू हैव यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स ताकि हमें पता चले कि वॉट यू वॉन्ट बेसिकली सो कुछ लोग बोल रहे हैं डी कुछ लोग बोल रहे हैं ए डी तो कैसे बोल रहे हो आप लोग वाई द रिजल्टिंग मोशन वॉन्ट बी सिंपल हार्मोनिक वाई डू थिंक सो

ओके नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन हाँ सर फर्स्ट एंड थर्ड आर 90 सो रिजल्टेंट विल बी रूट टू ओके ठीक है चलिए देखते हैं सो so, पहला दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू आई मीन वी कैन रिज्यूम की पहला पार्टिकल एस एच एम कर रहा है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी दूसरे के लिए इक्वेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय फोर ऐसा क्यों बिकॉज फेज डिफरेंस कितना है बताएगा कोई मुझे पाई बाय फोर इसलिए मैंने ऐसा लिखा है ठीक है ओमेगा टी प्लस पाई बाय फोर एंड फॉर थर्ड पार्टिकल एम्प्लीट्यूड तो सेम ही है कैपिटल है उसका इससे डिफरेंस क्या होगा अगेन पाई बाय फोर तो हम क्या लिखेंगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू देखो तो इससे वो पाई बाई फोर ज्यादा होना चाहिए ठीक है वॉट आर द मोस्ट वेटेड चैप्टर फॉर नीट इन फिजिक्स इसके लिए आपको इससे पहले जो सेशन हुआ था उसका रिकॉर्डिंग देखना होगा अंजलि मैम ने सेशन लिया था तो उसमें आपको मोस्ट वेटेड चैप्टर का आंसर मिल जाएगा ठीक है सेकेंड इज एट सो वन प्लस रूट टू हाँ ठीक है दैट्स करेक्ट आंसर ओके राइट नाउ ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया अब सुपर पोलिशन का मतलब क्या हुआ सुपर पोलिशन मतलब इन तीनों को आप ऐड कर दो, ठीक है? एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल सिंगल हार्मोनिक मोशन, आपको मिलेगा तो अगर हम तीनों को एड एक्स 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 को तो, तो रिजल्टिंग मोशन होगा वो देखते हैं कैसा होगा तो ऐड देम ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाय फोर एंड थर्ड इज ए साइन ओमेगा प्लस थीटा ये ओमेगा टी कुछ थीटा होगा ये ओमेगा टी कुछ थीटा होगा ना सो व्हाट इज साइन नाइनटी प्लस सीटा कैन एंड टेल द चैट बॉक्स वाइन नाइनटी प्लस थीटा इट्स कोस थीटा I hope it is visible to everyone. Yes. So I can write this a sin omega t and this part I can write as cos omega t. Why? Because it is 90 plus theta. So that is cos omega t. So a cos omega t, right? And this this term I am writing as it is a sin omega t plus pi by 4. is it visible to everyone this is omega t plus 5 by 4 i have written as it is correct Sir, so why does the first equation does not have time period how a time period omega is equal to 2 pi upon capital t time period to hoga if it is a simple harmonic motion second one also has same time, same time period third shm also have same time period because it is given in the question right सो दिस इज द रिजल्टिंग इक्वेशन नाव वॉट वी कैन डू आई एल इरेज दिस पार्ट बिकॉज ये तो मैंने सिंपल इक्वेशन लिखी है ठीक है वी विल बी यूजिंग दैम लेटर सो नाउ यू सी इफ यू एड फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म देन वॉट यू विल गेट दिस टर्म एंड दिस टर्म तो देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा मैं रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला ना सी वट आई एम डूइंग मैंने ए कॉमन लिया और रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मैंने लिख दिया वन बाय रूट टू साइन ओमेगा टू प्लस वन बाय रूट टू कोस ओमेगा टी और थर्ड वाला जो टर्म है वो एज इट इज है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई फोर ठीक है तो अगर मैंने इसको रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ फर्क पड़ेगा हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन नोट्स एंड एंटी नोट्स दैट यू विल डिस्कस बेटा इन वेव चैप्टर तो उसके लिए आप टेंशन मत दो उसके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा तो वो वहां पर कवर हो जाएगा अभी अब एस एच एम करते हैं एस एच एम के बिना हम लोग वेव कर भी नहीं पाएंगे सर वाई डोंट यू टेक साइन ओमेगा टी एस कॉमन साइन ओमेगा टी कॉमन कैसे आएगा दिस इज साइन ओमेगा टी इसका आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर यहाँ से मैं कॉमन नहीं ले सकता ना ऐसे कॉमन थोड़ी लेंगे ठीक है ये साइन के अंदर है ये साइन के अंदर ओमेगा टी प्लस फायव बाई फोर है साइन ओमेगा टी वी कैन टेक कॉमन ओके सो नाउ यू सी आई कैन राइट दिस वन बाय रूट टू एज कोस पाए बाय फोर एंड आई कैन राइट दिस वन बाय रूट टू एज साइन पाए बाय फोर बिकॉज वन बाय रूट टू इज इक्वल टू वो साइन पाए बाई फोर साइन फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू वन बाय रूट टू होता है सो रूट टू ए दिस आई एम राइटिंग कोस पाए फोर एंड दिस आई एम राइटिंग साइन पाई बाई फोर आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू बट यहां पे मैं कोस पा वाय फोर लिख रहा हूं यहां मैं साइन पाई बाई फोर लिख रहा हूं ठीक है तो ये क्या बनेगा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी जो कि होता है क्या कोई बताएगा मुझे वोट इज कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी हम्म किसी ने सही लिख दिया है राइट इट एज साइन पाई बाय फोर प्लस थीटा करेक्ट सो कैन टेल मी वोट इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी सो दिस विल बी साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस पाई बाय फोर एंड प्लस ये तो एज इट इज हाई है हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय फोर ओके Now you see, अगर आप इन दोनों में से साइन ओमेगा टी प्लस पाइव फोर कॉमन ले लो सो वॉट यू विल गेट इफ यू टेक साइन ओमेगा ओमेगा टी प्लस पाइव फोर यस yes नो no? तो जो, जो रिजल्टिंग मोशन आ रहा है हमारे पास जो रिजल्टिंग मोशन आ रहा है इज इट ए इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आपको दिख रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है एम्प्लीन ओमेगा प्लस फाइव तो एज एग्जैक्टली वही फॉर्म में आए सभी को करेक्ट साइन ए प्लस भी सही लिखा है किसी ने ओके okay. सो so, अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे सो so, क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन बोस रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड इज वन प्लस रूट टू ए सो क्या वो सही है ठीक है अभी चेक करते हैं सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज द फेज ऑफ द रिजल्टेंट मोशन रिलेटिव टू द फर्स्ट इज नाइन्टी डिग्री की जो रिजल्टेंट मोशन है

टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है फोर्टी फाइव डिग्री राइट करेक्ट सो दिस विल बी वोट फोर्टी फाइव डिग्री सो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया रोम ठीक है अभी देखो डी तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि रिजल्टिंग मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक तो आ रहा है ठीक है सो द रिजल्टिंग मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक तो वो तो वैसे भी गलत है ठीक है अभी चलते हैं हाँ सभी ने सही रिप्लाई किया है फाइव बाई फोर फोर्टी फाइव डिग्री राइट ठीक है अभी देखते हैं ऑप्शन सी द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिजल्टिंग मोशन इज थ्री प्लस टू रू टू टाइम्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी सिंगल मोशन इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी एसोसिएटेड है कितना होगा कोई बता सकता है वट विल बी द टोटल एनर्जी क्लासेस फॉर टेंथ हाँ देखिए आप अगर आप पुराने वाले सेशंस देखो तो वहाँ पर हमने मैकेनिक से कुछ सेशंस लिए हैं ठीक है और वो सेशंस आपको समझ में आएंगे बिकॉज वो टेंथ के लिए भी उसी लेवल पे हमने फाउंडेशन लेवल पे हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है कि आपको इलेवंथ में जब आने वाले तो एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी ठीक है तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सोल्व हो जाएंगे ठीक है सर वी डोंट इवन नीड टू राइट एनीथिंग बी डी आर रोंग हाँ, बी एंड डी आर रोंग बट वाई सी इज करेक्ट बिकॉज सी एनर्जी फोर सेम है ओमेगा इज सेम बिकॉज टाइम पीरियड इज सेम एम्पलीट्यूड वो भी सेम है तो किसी भी एक सिंपल हार्मरिक मोशन को उठा लो उसका एनर्जी कितना होगा हाफ के स्क्वायर कौन से वाले जो सुपरपोज हो रहे थे इनिशियली जो थ्री एस एच एम थे अभी जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका क्या है एम्पलीट्यूड रूट टू प्लस वन है ठीक है इसका अगर रिजल्टेंट रूट टू प्लस वन ए है तो मैं क्या लिख सकता हूं देखिए हाफ अगेन टाइम पीरियड इज सेम टाइम पीरियड सेम किया था उसमें भी साइन ओमेगा so, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा हाफ के थ्री प्लस टू रूट टू ए स्क्वायर सो एज यू कैन सी इनिशियली टोटल एनर्जी वॉज हाफ के ए स्क्वायर

तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में किसी को वैसे उनका रिप्लाई नहीं आया अभी तक कि वी डोंट इवन नीड टू राइट एनीथिंग बिकॉज बी एंड डी आर रोम फॉर दैट यू हैव टू प्रूव ए एंड सी आर करेक्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीटली सोल्व नहीं करूंगा आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा कि कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को ठीक है तो क्वेश्चन क्या मैं बता दे रहा हूं ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी रिप्रेजेंट एस एच एम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बट सी इज नॉट इक्वल टू जीरो ए एंड बी कैन टेक एनी वैल्यू बट सी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो अदरवाइज इट कैन टेक एनी नो वैल्यू बी ऑप्शन इज ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू टू बी सी ऑप्शन इज ए इज इक्वल टू माइनस बी सी इज इक्वल टू टू बी एंड डी इज इक्वल डी ऑप्शन इज ए इज इक्वल टू बी सी इज नोट इक्व सी इज इक्वल टू जीरो तो यह भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सो हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन तो क्या कर सकते हैं कुछ आइडिया दीजिए सी इज करेक्ट ठीक है देखते हैं बट वॉट कैन बी अप्रोच लाइक हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन Picture is not clear, ok. I will dictate the question. Function given is a sin square omega t plus b cos square omega t plus c sine omega t cos omega t represent SHM for which of the following options? Option A is for all values of A B C but C is not equal to 0. Option B is A is equal to B and C is equal to 2B and option C is A equal to minus B and C is equal to minus 2B. एंड ऑप्शन डी इज़ ए इज इक्वल टू बी बट सी इज इक्वल टू ज़ीरो बाई ट्रायल मैथड ऑप्शन सी कौन सा ट्रायल मैथड मुझे भी सिखाओ अच्छा वो वैल्यूज़ डाल डाल कर देखोगे आप हाँ तो वो भी कर सकते हो आप बट इसी फॉर्म में अगर आप वैल्यूज़ डालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एसएचएम है कि नहीं है आपको पहले कुछ फार्मूलाज यूज करने पड़ेंगे यहां पे सो so, कौन से फॉर्मूला यूज करने कैन इवन टेल मी वट फार्मूला शुड आई यूज हेयर हां जी चैट बॉक्स में बताइए वट फॉर्मूला कैन आई यूज हेयर अगेन दिस इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है तो एक आंसर नहीं होगा इसके मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा सर इट्स रेनिंग हेयर वेरी गुड हाँ ठीक है किसी ने सही लिख दिया है कि कोस टू सीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस टू साइंस स्क्वायर चीटा सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ साइंस स्क्वायर चीटा एस वन माइनस कोस टू सीटा डिवाइडेड बाई टू ठीक है एंड इन द सेम वे कोस टू सीटा का एक और फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर चीटा माइनस वन सो फ्रॉम देयर यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर चीटा सो आई एम डूइंग द सेम थिंग ओनली ठीक है सो so, <coughs> कोस टू थीटा इज वॉट टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा. स्क्टा नॉट इज इक्वेशन ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक बार चेक कर लेते हैं ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस टाइटी साइन ओमेगा कोस ओमेगा निपटा लेते हैं sin theta, cos theta, multiplication में है. अगर इसको two से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करूं तो कोई बताएगा मुझे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहां पर टू साइन चीटा थीटा व्हाट आई कैन राइट हियर कैन मी हाँ, ट्रिगोनोमेट्री से होगा वो तो दिख ही रहा है साइन कोस है so, ये बन जाएगा साइन सी साइन टू थीटा आई मीन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू ठीक है साइन टू थीटा इज वोट टू साइन थीटा कोस थीटा तो इसको तो हमने ऐसे लिख दिया ठीक है करेक्ट किसी ने सही लिखा है साइन टू थीटा साइन टू ओमेगा टी राइट एंड दिस आई कैन राइट एज बी वन प्लस कोस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू एंड दिस आई कैन राइट एज वन प्लस वन माइनस कोस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू जो कि ऑलरेडी मैंने बाहर लिख दिया है ठीक है तो अब देखिए सेम जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी जैसा ही है कि तीन सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका फ्रीक्वेंसी टू ओमेगा इसका फ्रीक्वेंसी टू ओमेगा इसका फ्रीक्वेंसी टू ओमेगा ठीक है तो इन तीनों को हमने सुपरपोज कर दिया है सर वैन यू विल टेक क्लास फॉर वेव्स अभी एस एच एम कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेव्स कर लेंगे अगर आज एस के सारे क्वेश्चन हो गए तो नेक्स्ट सेशन हम लोग वेव्स पे बना लेंगे ठीक है विल दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन विल कम इन नीट देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो ले रहा हूँ ना वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ठीक है तो इसका एक पार्ट आ सकता है मल्टीपल चॉइस तो नहीं आएगा एक पार्ट पूछ लेंगे वो लोग तो वहाँ पे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आप एक वो पुरैली पुट करके भी देख सकते हो ठीक है एक सिंगल पार्ट उसका पूछ सकते हैं तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ऐसा है, कुछ डिफिकल्टी तो है नहीं इसमें अभी तो बेसिक क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं हाँ कॉम्प्लेक्स तो है नहीं इसमें का सही बात है ठीक है तो ये क्वेश्चन के लिए फाइट करना सीखिए क्वेश्चन को छोड़ा मत करो ठीक है अपना लेवल डिसाइड मत करो कि मैं तो नीट का स्टूडेंट हूँ देन आई शुड नॉट सोल्व टफ क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने हैं ठीक है और हाँ प्रैक्टिस तो ज़्यादा से ज़्यादा करनी ही करनी है तो अपना लेवल खुद से क्यों डिसाइड कर रहे हो ठीक है ना So, देखो यहां से आ गया अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं बिकॉज ये ऑप्शन के बिना नहीं होगा क्वेश्चन तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी मैं आपको एक ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ बाकी बी सी डी आप खुद से चेक करेंगे ठीक है वो होमवर्क आपके लिए बिकॉज उसके बाद दो तीन क्वेश्चन अच्छे हैं जो मुझे करवाने हैं आपको ठीक है तो पहला ऑप्शन है कि ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो देखिए एक चीज तो क्लियर है क्या कि आप ए बी सी की कोई भी वैल्यूज डाल दीजिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो होगा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा बट एक स्पेशल केस लेते हैं कि जब <coughs> c का वैल्यू जीरो हो जाए तो c का वैल्यू अगर ज़ीरो हो गया तो देखिए ये वाला टर्म जीरो हो गया और पहले क्या लिखा था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कोई बता सकता है मुझे अब ये जो रिजल्टिंग मोशन आपको दिख रहा है ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन आपको दिख रहा है क्या ये एस होगा वाई नोट वाई नो करेक्ट किसी ने सही लिखा है हार्मोनिक मोशन ठीक है इसी तरह से अब देखो कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये ए बाय टू बी बाई टू ये साथ में आ रहा है तो उसको देखिए घबराना नहीं है आपको वो केवल क्या कह रहा है कि जो आपका मेन पोजिशन है वो शिफ्टेड है एक्सेजिकल टू जीरो पे नहीं है That's it. ना तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है देखो इसके लिए आप घबराइए मत कि ए बाई टू बी बाई टू अगर आप सोच रहे हो तो वो तो केवल ये हो गया कि जैसे मान लो एक्स इक्ल टू जीरो पे हम लोग जनरली लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओ टी ठीक है अगर मैं एक्स इज इक्वल टू प्लस टू पे ले जाऊँ मेरी मेन पोजीशन तो वो कुछ और हो जाएगा टू उसमें ऐड हो जाएगा ठीक है हाँ तो इसी तरह से आप सारे ऑप्शन चेक कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा इसमें ठीक है तो दिस इज़ ए होमवर्क क्वेश्चन आप यहाँ पे जैसे जैसे ऑप्शन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए जैसे मैं बी भी दिखा देता हूँ आपको तो बी ऑप्शन अगर आप पुट करोगे तो ए इज़ इक्वल टू बी एंड सी इज़ इक्वल टू टू बी आई गेस वही लिखा हुआ था ए इज़ इक्वल टू बी एंड सी इज़ इक्वल टू टू बी तो देखिए इसमें क्या होगा एज इक्वल टू बी तो देखो जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो इसको मैं ए ही लिख दे रहा हूँ तो ये होगा ए बाई टू कोस टू मेगा टी ये होगा माइनस ए बाई टू कोस टू मेगा टी ये वाला टर्म ही कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है और ये बन जाएगा ए बाई टू प्लस ए बाई टू यह हो जाएगा ए प्लस ये वाला टर्म कितना है सी इज इक्वल टू टू बी ठीक है यही लिखा होता है ना सी इज इक्वल टू टू बी एंड ए इज इक्वल टू बी या फिर सी इज इक्वल टू टू ए भी लिख सकते हैं तो जेगा ए साइन टू मेगा टी सो अगेन दैट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन सो ऑप्शन बी भी इसके लिए करेक्ट है चलिए समझ में आया सभी को वहाँ पर एक्चुअली बेटा थोड़ा स्पेस नहीं होता इसलिए मैं वहाँ पे नहीं कर रहा हूँ तो किसी ने यहाँ पे कुछ डाउट पूछा है मेरे को वो डाउट पढ़ लेने दीजिए आप यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा स्पेस कम होता है इसलिए मैं वाइट बोर्ड पर चला जाता हूँ सर प्लीज टेल मी इफ मास ऑफ ए पार्टिकल इज हंड्रेड ग्राम मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद पोटेंशियल एनर्जी ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वा माइनस फोर वेयर एक्सिस इन मीटर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ देखिए आपको अगर डाउट है तो आप डाल सकते हो इंस्टा इंस्टास्टोल पर वैसे इस क्वेश्चन को करना हो तो आप सिंपली U इक्वल टू हाफ की एक्सेस स्क्वेर लेके ट्राई कीजिए हो जाएगा ठीक है तो आप इंस्टास्टोल्ड पर डाल दीजिए मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है हां जी तो ये क्वेश्चन चेक कीजिए डायग्राम तो फेस स्पेस डायग्राम क्या होता है मैं आपको सिंपल मीनिंग बता देता हूं फेस स्पेस डायग्राम मीन्स वाई एक्सिस पे मोमेंटम एक्स एक्सिस पे पोजिशन तो दैट इज ए फेस स्पेस डायग्राम ठीक है तो फेस स्पेस डायग्राम फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन इन द फिगर द टू सर्कल्स रिप्रेजेंट द सेम ऑसिलेटर बट फॉर डिफरेंट इनिशियल कंडीशन ठीक है एंड ई वन एंड ई टू आर द टोटल मैकेनिकल एनर्जीज रेस्पेक्टिवली तो आपके पास चार ऑप्शन हैं ईवन इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ई टू इक्वल टू टू टाइम्स एंड ईवन इज इक्वल टू फोर टाइम्स ई टू ईवन इज इक्वल टू सिक्सटीन टाइम्स ई टू सर कैन यू टीच टोपलिंग इन कमिंग क्लासेस हाँ ठीक है देखो एक सेशन में तो सब कुछ होगा नहीं तो वन बाय वन करते हैं है ना अभी एस एच एम चल रहा है वेवस भी कर लेंगे किसी ने वेवस भी पूछा था फिर प्रोजेक्टाइल भी कर लेंगे ठीक है जैसे कोई प्रोजेक्टाइल बोल रहा है टोपलिंग तो बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है एक उसके लिए तो एक पूरा सेशन होना चाहिए तो टोपलिंग भी कर लेंगे हाँ फिगर क्लियर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ ये सर्कल जो है छोटा वाला दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं द स्मॉलर सर्कल हैज़ रेडियस ए एंड द बिगर सर्कल हैज़ रेडियस टू ए ठीक है ग्राफ इज़ इन बिटवीन मोमेंटम एंड पोजिशन ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं फेज स्पेस डायग्राम ठीक है आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ोगे जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में पूरा इस पर एनालिसिस होता है फेज प्रोजेक्ट्रीज बनाते हो आप तो इसका एनर्जी है जो पहला छोटा वाला सर्कल है एक ओसीलेटर है इसका एनर्जी कितना है ई टू और जो दूसरा वाला बड़ा वाला उसका एनर्जी है ई वन सिंग सर तो फिर उसके बाद में आप मेरी क्लासेस में आना बंद कर दोगे इसलिए मैं गाना नहीं गा रहा हूं ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया कुछ लोग रिप्लाई भी दे रहे हैं बी सी तो बी जो लिख रहे हैं वो गलत है और जिन्होंने सी लिखा है वो सही है सही है बिल्कुल देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको देखो अगर आप सर्कल की इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पहले वाले के लिए पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे अच्छा इसको मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन इसको मैंने ऐसे लिख दिया है ठीक है अभी नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर सो दिस विल बिकम पी स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया बिकॉज देखो सिंपल सी बात है पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर और रेडियस कितना है टू ए तो वो हो जाएगा फोर ए स्क्वायर ठीक है उसको मैंने डिवाइड कर दिया तो फोर ए स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अभी देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे ठीक है अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किससे तो टोटल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू बाई के हाफ के एक्स स्क्वायर है ठीक है तो मैंने के को भी नीचे ले लिया है तो दिस विल बिकम टू बाई के एंड दिस शुड बी इक्वल टू वन अब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या निकल गया स्क्वायर होगा देखो इसको भी हम लोग नीचे ले, ले लेते हैं ईवन को भी इसको भी नीचे ले लिया तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो वोड आई कैन से कोई बता सकता है क्या लिख सकते हैं यहां से ऐसे ही आप दूसरे वाले के लिख सकते हो देखो दूसरे वाले के लिए इक्वेशन क्या बनेगा पी स्क्वायर अपोन टू एम ई टू प्लस एक्स स्क्वायर अपोन टू अपॉन के ई टू ठीक है इज इक्वल टू वन ठीक है अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो ठीक है तो वहां से क्या रिलेशन आएगा इसको इससे कंपेयर करते हैं टू ई वन अपॉन के इज इक्वल टू ए स्क्वायर इसको इससे कंपेयर करते हैं टू ई टू अपॉन के इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं टू ई वन अपॉन के टू वन अपॉन के इज इक्वल टू ए स्क्वायर और दूसरा जो इक्वेशन था उनको कंपेयर करोगे तो आएगा टू ए टू अपॉन के इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे रिलेशन आ जाएगा ए टू इज इक्वल टू फोर टाइम्स ई वन ठीक है सिंपल क्वेश्चन था ये समझ में आया एवरी वन ओके एंड सेम कैसे हुआ देखो वो मोमेंटम वर्सेस पोजिशन का ग्राफ है ठीक है ना तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मोमेंटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेगा आपको ठीक? देखो तो मैंने केवल उनके जो कॉफिशियंट है उनको कंपेयर किया है इस इक्वेशन में जो कॉफिशियंट्स है उनको मैं कंपेयर कर रहा हूं ठीक है इसके लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नहीं बेटा नहीं मैं सूरत से नहीं हूं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ए पार्टिकल मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन in first t second after starting from rest it travels a distance a and in next t second it travels a distance 2a in the same direction then part a here amplitude of motion is 3a part b polar key time period of oscillation is 8t and part c here amplitude of motion is 4a and part d is time period of oscillation is 60 तो so, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिए आप गुड क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट टी सेकेंड में रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है वो ठीक है रेस्ट पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो पहले टी सेकेंड में ए डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अगले टी सेकेंड में टू ए डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ठीक है और सेम ही डायरेक्शन में ठीक है तो चार ऑप्शन हैं बताइए कौन सा सही हो सकता है थोड़ा सोचिए पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो कोई बता सकता है कि कहाँ पे होगा इनिशियली सिंपल हार्मोनिक मोशन है पार्टिकल रेस्ट में कहाँ पर होता है हाँ एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है सही बात है सो so, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है तो इक्वेशन लिखिए पहले आप एक्सट्रीम नहीं मेन पोजिशन नहीं होगा जो लोग मेन पोजिशन बोल रहे हैं वो गलत है एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है ना एक्सट्रीम एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो देखिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इसके लिए इक्वेशन इसके लिए हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू और अगेन साइन नाइन्टी प्लस होता है कोस दिस विल बिकम ए कोस ओमेगा टी ठीक है तो ये तो हो गया पार्टिकल का एस एच एम का इक्वेशन ठीक है अभी बोल रहा है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा और rest, है और फर्स्ट टी सेकेंड में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स इ डिस्टेंस और नेक्स्ट टी सेकेंड में टू ए डिस्टेंस वाई नॉट साइन ओमेगा टी कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेरियोडिक फंक्शन होना चाहिए ना साइन ओमेगा टी प्लस बाय टू लिया मैंने आप कोस ओमेगा टी प्लस बाय टू ले लो या आप कोस ओमेगा टी माइनस बाय टू भी ले सकते हो ठीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो पीरियडिक फंक्शन लेना है आपको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो कोई आंसर पे फर्क नहीं होगा ठीक है चलिए अभी x इज इक्वल टू ए को सोमेगा टी ये हो गया अब वो क्या बोल रहा है कि t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है a तो देखो पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ये हो गया x इज इक्वल टू जीरो और ये रहा आपका x इज इक्वल टू प्लस ए और ये रहा आपका x इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पहले अच्छा मैंने उल्टा लीजिए यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड ए होगा ठीक है ये कैपिटल ए और स्मॉल ए में कंफ्यूज मत होना कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है और स्मॉल ए उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में वो है तो इनिशियल टी टाइम में पार्टिकल यहाँ कहीं आ गया होगा और ये डिस्टेंस कितना है टी नेक्स्ट टू टी टाइम में पार्टिकल यहाँ कहीं आ गया होगा ठीक है और ये डिस्टेंस कितना है टू ए टोटल टाइम कितना होगा थ्री टी नहीं सॉरी नेक्स्ट टू टी टी टाइम है ना तो टोटल डिस्टेंस टाइम हो जाएगा टू टी और डिस्टेंस हो जाएगा थ्री है क्या बोल रहे हो पर सर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट ही करेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है ना हाँ ऑब्वियसली पहले अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसका मतलब वो एक्सट्रीम पे रहा होगा बिकॉज एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो है और मेन पोजिशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी पहले बढ़ेगी ठीक है ओके कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ओके आई ट्राई दैट सो एक्स इज इक्वल टू ए दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम एंड इन टाइम टी पार्टिकल इज कवरिंग डिस्टेंस एंड इन नेक्स्ट टाइम टी पार्टिकल इज कवरिंग फर्दर डिस्टेंस टू ओके सो कैन यू टेल मी वॉट इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी What is the position of particle after time t? Can you tell me what is the position of particle after time t? What should I write here? What is the position of particle after time t? A cos omega t. No. A cos omega t is a general form, like position of particle at any time t. That's a general form. I am asking you after a certain time t. ज गिवन इन द क्वेश्चन देखो आप उस टी और इस टी से कन्फ्यूज हो रहे होंगे ठीक है जो क्वेश्चन वाला जो टी है उसको आप टी डैश बोल सकते हो ऐसे लिख लीजिए आप ठीक है क्वेश्चन ए माइनस टू ए नहीं ए माइनस ए होगा ना इट इट शुड बी ए माइनस ए बिकॉज दिस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज ए एंड पार्टिकल हैज कवर्ड स्मॉल ए डिस्टेंस सो डिटेंस पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजिशन इज कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए राइट सो दिस इज वॉट capital a minus mole a so what should i write here capital a minus mole a is equal to a cos omega t dash after t dash time right and now after 2t dash time what will be the position after 2t dash time can you tell me what will be the position after 2t dash time so it will be a minus 2a because sorry 3a

Huh. for first case it would be a minus a from mean position and for second case it would be a minus 3a from mean position now what we can do what is actually what is asked what question has asked question is asking we have to calculate time period and we have to calculate amplitude so we have got two equations now yes or no we have got two equations now what i can do omega is variable i don't know what value of omega i don't know the value of amplitude So what I will do, I'll write this cos omega to 2 omega t in terms of cos omega t. How I can do that? Again half angle formula. So I can write this as a multiplied 2 cos square omega t minus 1. अभी मैं आपको आगे सोल नहीं करवा रहा, आप यहाँ से देख लीजिए करना क्या है आपको, आंसर आ जाएगा. You take the value of cos omega t from here, capital A minus small a divided by a, you put it here. what you will get an equation between capital a and small a a is known it's given in the question so you will get the value of capital a understood and whatever is the value of capital a you are getting you can put it back here you will get the value of omega so any doubt because t dash is also known it is given in the question so you understood what you have to do we have got two equations equation 1 and equation 2

तो बेटर है कि हम लोग केवल कॉन्सेप्ट बात करें उसके बाद ताकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन ले पाए ओके okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसको जल्दी से कर लेते हैं ये मैं क्वेश्चन खुद ही करवा देता हूँ काफी सिंपल क्वेश्चन है ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए इट स्पीड इज मेड थ्री टाइम्स एट द इंस्टेंट वैन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ टू ए बाई थ्री फ्रॉम द मेन पोजिशन मोशन इज तो देखो स्पीड का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है नाउ इट्स स्पीड इज मेड थ्री टाइम्स एट द इंस्टेंट वैन इट इज एट ए डिस्टेंस टू ए बाय थ्री फ्रॉम द मेन पोजिशन देन इट्स न्यू एम्पलीट्यूड विल बी ओके सो इट्स स्पीड इज मेड थ्री टाइम्स दैट मीन्स थ्री वी नाउ ओमेगा इज नॉट चेंजिंग ओमेगा वुड बी सेम ओनली राइट प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स सोर्स ने अगर ओमेगा चेंज नहीं किया है सो so ओमेगा विल नॉट चेंज ए डैश कुछ न्यू एम्पलीटूड हो जाएगा ए डैश स्क् माइनस एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इट्स टू ए बाई थ्री ठीक है थ्री वी इज इक्वल टू वोट ओमेगा अंडर रूट ए डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो क्या बोला ए पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद इट्स स्पीड इज मेड थ्री टाइम्स एट इंस्टेंट वैन इट इज एट अ डिस्टेंस टू ए बाई थ्री फ्रॉम द मेन पोजिशन द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज अच्छा तो ये तो मैंने क्या किया जो भी गिवन था क्वेश्चन वो ने लिख दिया अच्छा हमें ट्राई करने दो ठीक है चलो कर लो ट्राई चलो कर लीजिए ट्राई आप लोग इजी क्वेश्चन है हाँ इजी तो क्वेश्चन है ही हाँ डिवाइड तो करेंगे बट उससे पहले आपको यहां पे एक्स का वैल्यू डालना पड़ेगा एंड दैट शुड बी टू ए बाई थ्री ओनली टू ए बाई थ्री होल स्क्वायर बिकॉज इनिशियली स्पीड को थ्री टाइम्स करने से पहले वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो एक्स इज वोट टू ए बाई थ्री नाउ एट द सेम एक्स टू ए बाई थ्री एम्पलीट्यूड कुछ चेंज हो गया है स्पीड इज थ्री बी तो बस इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा ठीक है अंडरस्टूड सिंपल क्वेश्चन है ये तो राइट right? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन ठीक है तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये मुझे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना था आपके साथ ठीक है इसमें आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तो मैं आप लोग को दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले और फिर बताओ क्या कर सकते हैं सोल्यूशन बहुत छोटा है इसका टू मासेज एम वन एंड एम टू आर सस्पेंडेड टूगेदर बाई ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के वेन द मासज आर इन इक्लिबीरियम एम टू इज रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज सो वी हैव टू मासिज एम वन एंड एम टू एंड दे आर सस्पेंडेड बाई स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इट गिवन इन द क्वेश्चन वेन द मासज आर इन निकली बीरियम एम टू इज रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम इसको नीचे वाले को जेंटली हमने निकाल दिया है ठीक है सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना देन एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन इज वो हमें बताना है एम्पलीट्यूड वुड भी सेम नहीं गलत है रोंग जो थ्री ए लिख रहे हैं वो भी गलत है इंटीजर <laughs> नहीं ये कैसा आंसर हुआ इंटीजर एनी आइडिया हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को टाइम ऑफ ओसिलेशन विल रिमेन सेम नो इट विल चेंज टाइम ऑफ ओसिलेशन भी चेंज हो जाएगा एनी आइडिया हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन चलिए आप एक काम कीजिए इस सिचुएशन में इसका फ्री पोरी डायग्राम बनाइए इस सिचुएशन में कौन से सिचुएशन में वैन एम टू एंड एम वन एंड एम टू आर सस्पेंडेड टूगेदर टाइम ऑफ टाइम ऑफ ओसिलेशन रिमेन सेम नहीं रॉन्ग है वो किसी ने सही लिखा है के एक्स इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड जी ठीक है तो देखिए इस सिचुएशन में हम लोग इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं देखो ये है स्प्रिंग ये कुछ स्ट्रेस्ड पोजीशन में होगा बिकॉज नीचे टोटल मास है एम वन एंड एम टू ठीक है एम वन नीचे है एम टू हाँ एम टू नीचे है ठीक हाँ, है एम वन एम टू तो अभी बताइए मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजिशन नहीं एम इज टू डम वन प्लस एम टू इंटू जी बाई के नहीं ये भी गलत है ठीक है देखते हैं तो देखिए इस पोजीशन में इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये इक्विलिब्रियम में है अभी राइट नाउ अगर मैंने इसको सस्पेंड कर दिया तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इस पोजिशन पे स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींच रहा होगा ठीक है किस फोर्स से स्प्रिंग फोर्स से के एक्स कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा नेचुरल से, और ये क्या होगा एम वन प्लस अभी ये में है, तो इन दोनों को क्या होना चाहिए इक्वल सो के एक्स शुड बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड जी सो वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एम वन प्लस एम टू multiplied जी डिवाइडेड by k सो दिस इज द इनिशियल एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ठीक है हाँ ठीक है amplitude ठीक है हाँ ठीक है किसी ने सही आंसर नहीं लिखा है वैसे अभी तक तो एक्स इनिशियल एलोंगेशन हो जाएगा m1 वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइट जी डिवाइडेड अब देखो हम इस m2 को हटा दे रहे हैं तो हटा देते हैं m2 को पहले कितना फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ kx ध्यान से देखना अभी बस क्वेश्चन हो जाएगा अभी एक मिनट में एक्स ऊपर की तरफ लग रहा था ये टोटल फोर्स ग्रेविटी वाला नीचे की तरफ लग रहा था अब क्या होगा जैसे ही आपने एम टू को हटा दिया तो क्या नीचे वाला फोर्स कम हो जाएगा नीचे वाला फोर्स कम हो जाएगा ना क्योंकि तो अभी इलोंगेशन तो उस पर्टिकुलर स्टेंट पे तो के एक्स ही होगा ना समझ में आ रही है नहीं आ रही बात उस पर्टिकुलर पोजिशन पे तो इलोंगेशन एक्स ही होगा और जैसे ही आपने एम टू को हटाया आप एम टू को हटा दो तो नीचे वाला फोर्स कम हो गया ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो स्प्रिंग पे क्या लगेगा ऊपर की तरफ एक फोर्स तो स्प्रिंग ब्लॉक किया जाएगा ऊपर ठीक है आंसर आ गया तो बताइए नहीं देखो तो स्प्रिंग पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा ठीक है और जिससे स्प्रिंग ऊपर चला जाएगा और एक फाइनल एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी समझ में आ रही है ये बात ठीक है थोड़ी देर वो ऑसिलेट करेगा ठीक है तो एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगी स्प्रिंग की यहाँ से जैसे ही आप एम टू को रिमूव करोगे उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो ऐसे ओसिलेट करना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या आ रही है यहां पे इनिशियली क्या था वो रेस्ट पे था इनिशियली वो रेस्ट पे था और अभी क्या होगा उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा तो अभी न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन जो आएगी वहां उसके लिए मैं क्या लिखूंगा के एक्स डैश इज इक्वल टू वोट एम टू को निकाल दिया तो एम वन जी ठीक है न्यू इक्विडियम पोजिशन जो आ रही है वहाँ, पे KX G, right? तो वहाँ पर के एक्स डैश इज इक्वल टू एम वन जी राइट तो वहां पर बताइए ये एक्स डैश क्या है उसकी नेचुरल पोजिशन से कितना इलोंगेशन होगा कब जब एम टू को हटा दिया ठीक है इन द इक्विडियम पोजिशन इन द न्यू स्टेट तो एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी एम वन जी बाय के ठीक है तो अब जो एक्स पहले कहाँ पे था वो रेस्ट पे दैट मीन्स एक्सट्रीम पोजिशन ठीक है अभी उसका इक्विडियम पोजिशन कहाँ चला गया एक्स डैश पे तो बताइए कितना डिस्टेंस है एक्सट्रीम पोजिशन और मीन पोजिशन के बीच में सो दिस माइनस दिस एक्स माइनस एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश है ना एक्सट्रीम और मीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड तो इनको जब आप सब्ट्रैक करोगे तो आंसर आएगा एम टू जी बाय के ठीक है और वही आपका एम्पलीट्यूड होगा तो कितने बच्चों का क्वेश्चन समझ में आया हाँ किसी ने सही आंसर लिख दिया है एम टू जी के ठीक है माइनस एक्स के माइनस एक्स के ठीक है तो अब देखिए ये समझ में आ गया ना आपको पहले एलोंगेशन कितना था एक्स अब एलोंगेशन कितना होगा एक्स डैश क्यों होगा क्योंकि नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी उसके पास तो जैसे ही वो आपने एम टू रिमूव किया वो ऊपर जाएगा ठीक है तो ये होगी इसकी एक्सट्रीम पोजिशन और ये हो गया इसका मीन पोजिशन नया वाला ठीक तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वही आपका एम्पलीट्यूड होगा तो वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया एम टू जी बाई के तो कितने बच्चों के क्वेश्चन समझ में आया तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का ठीक है और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे ऐसे और सेशन ले, ले लेते हैं वेव्स पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे उस सेशन में ठीक है तो आज के लिए इतना ही है मुझे आ गया वेरी गुड सही है तो डेली लाइव आते रहिए ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनालिसिस करने को ठीक है तो आज के लिए इतना ही तो डेली लाइव आता ये थैंक यू सो मच बाय बाय हाँ फ्लूड्स के एस क्वेश्चंस क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है सही है नोट डाउन कर लिया हमने ओके थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट